गुड मॉर्निंग, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए जल्दी उठने में कोई तकलीफ नहीं हुई। कल रात से मैं सोच रही हूँ कब सुबह होगा, कब मैं जल्दी उठूँगी और दरवाज़ा खोलूँगी, क्योंकि दरवाज़ा खोलते ही सुबह देखिए मेरे घर में आई है मेरी बेटी। कल से मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं और मेरे हस्बैंड डेफिनेटली हम तो खुश है ही, पर झिनुक को देखिए सबसे ज़्यादा खुश है मेरी झिनुक रानी। वो तो चिकूर अगर मिल गए तो देखिए दोनों ऐसे करते हैं, और झिनुक को देखिए मतलब वो एक सेकंड के लिए एक जगह पे खड़ी नहीं हो रही है, इतना खुश है उसको देख के कि वो कैसे समझाए और क्या करे उसको ही समझ नहीं आ रहा है। ऐसे प्यार मिले ना तो कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। एनीवे, आज ना मेरा थियोरी एग्ज़ाम है तो चलिए ऊपर चलती हूँ। मानसी कैसे है, क्वेश्चन सब ठीक है? आ रहा है लिखना? ओके तनिष्ठा, कैसे हो रहा है एग्जाम? अच्छा हो रहा है, ओके गुड। ईशा और अशिता, ज्यादा स्ट्रगल तो नहीं हो रहा है? इधर देख के बोलो, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। व्हाट अबाउट सना, बहुत स्ट्रगल हो रहा है ना हिंदी लिखने में? राधा इट्स ओके, अभी तो चल गुड। अभी का इधर देखो कैसे चल रहा है एग्जाम, ठीक ठाक? मानिया कैसे हो रहा है? अच्छा, अच्छा हो रहा है, ओके। रागिनी हो गया कंप्लीट, ओके गुड। अंशिक को अब हेल्प कर रही हो? मैं बस नॉस्टैल्जिया में खोई हुई हूं, एक साल पहले हम थियोरी एग्जाम लेते थे तो द स्ट्रेस इनके तरह नहीं, पेपर लिखते आते हम लोग बड़ के टेंशन में आते थे, पेपर लिखते थे, बहुत मजा आता था। गुड, चलो सब लिखो। अरे विद्धि, स्कूल का एग्जाम अभी खत्म हुआ? हाँ। और अभी तुम डांस की थ्योरी देने आई हो? हाँ। कहाँ से स्टैंडर्ड में हो? 10। वेरी गुड, चलो अच्छे से लिखना, ठीक है? आप देख के समझ गए कि हम स्टूडियो अपार्टमेंट में हैं और मेरे बच्चे डांस के थ्योरी एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मेरे बच्चे अच्छे से काम करते हैं और इस तरह के एग्ज़ाम देते हैं। और ये सब बच्चे ना बहुत छोटे छोटे मेरे पास आते हैं और जब धीरे धीरे से बड़े होते हैं ना, देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो चलिए, थ्योरी एग्ज़ाम हो रहा है, इसके बाद भी एक्चुअली बहुत काम तो रहता ही है क्योंकि आज शिकुर को शादी में जाना है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज मेरी एक स्टूडेंट की शादी है जो शिकुर के भी बहुत क्लोज है, और अभी शिकुर, ये मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो थ्योरी रूम एग्जाम रूम से ना अभी मेकअप रूम बन गया। तो चिकुर और मेरे और दो स्टूडेंट, ये दोनों भी चिकुर के बहुत क्लोज है, तो तीनों मिलके यहाँ तैयार हो रहा है। मैं थोड़ा सा चिकुर को दिखा रही हूँ एंड तीनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन बाद तीनों मिल रहे हैं। और वो दोनों आई है यहाँ क्योंकि चिकुर को ना मेकअप खुद के लिए करना, दूसरों को करना बहुत अच्छा लगता है। वो बाकी कामों में जितना भी लेजी हो, मेकअप करना, तैयार होना, इसमें उसको कोई लेजीनेस नहीं लगता है, वो बहुत इन्जॉय करके करती है। एंड मेरे दो बाकी दो स्टूडेंट भी इसलिए आई है कि चिकुर थोड़ा सा मेकअप में हेल्प कर देगी, उनको साड़ी पहना देगी। तो तीनों मिलके अच्छा खासा टाइम बिताई, तैयार हुई और शादी में जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि मेरे एक और स्टूडेंट की शादी है तो नेचुरली सब फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, तो बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ कि शादी में चिकुर किस तरह से तैयार हुई और कैसे लग रही है। Thank you.
अच्छा देखिए मैं ऊंचाई देख रही हूँ, अभी रात को 12:15 ऑलमोस्ट 11:40 ऊंचाई देख रही हूँ, कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन Z5 नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी मेरी बेटी आई, उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, अरे मतलब चालू कर दिया Z5 कैसे, हाँ मतलब मेरे पास सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन था उसने, I don't know, लिंक, ये डिवाइस लिंक कर दिया मेरे सब्सक्रिप्शन पे, ये डिवाइस लिंक कर दिया, तो मैं ऊंचाई देख रही हूँ, कितने दिन से ट्राई कर रही थी नहीं हो रहा था, सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू माय डियर लिटिल स्वीट, थैंक यू, एम आई लुकिंग ओके फॉर यू, यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, थैंक यू, यू आर डिवा, वाओ यू आर डिवा, या थैंक यू, बाय बाय। अब देखिए शादी से लेट आई, फिर हमने पिक्चर देखा तो नेचुरली बहुत लेट हो गया, फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो इन दोनों का गुड मॉर्निंग देखिए, मतलब अगर मैं 24 आवर्स भी कैमरा रख लूँ ना दोनों के सामने तो इतना अच्छा ब्लॉग बनेगा जो आप लोग भी देख के खुश हो जाओगे और मैं भी बहुत खुश रहूँगी। खैर चिकू का थोड़ा सा काम था तो वो ऑफिस के काम लेके थोड़ा सा बैठ गई, इसके बाद अब मेरा डांस क्लास है तो नेचुरली चिकू भी जाएगी मेरे साथ, क्योंकि हम दोनों के लिए डांस इतना मतलब अच्छा लगता है तो हम उसके बगैर तो रह नहीं पाते, तो हम दोनों पहुंच गए डांस क्लास। एक्चुअली नेक्स्ट संडे 19 फेब हमारा प्रोग्राम है तो इसीलिए मेनली चिकू आई है, क्योंकि कलांगन का प्रोग्राम हो और चिकू परफॉर्म नहीं करेगी ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है, तो कितने भी दूर रहे वो आ तो जाती है और हम बहुत दिल से प्रोग्राम करते हैं, हम डांस के बगैर एक्चुअली हमारा एक मतलब ऐसे रिलेशन है ना डांस के साथ कि उसके बगैर हम सोच ही नहीं पाते। मैं चिकू और मेरे जो पुराने सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो तो है ही, इवन ये छोटे छोटे बच्चे भी इतना एंजॉय करते हैं। देखिए यहाँ रिहर्सल चल रहा है, अच्छा बच्चों को ना मैं बहुत डांटती भी हूँ जब गलतियाँ करते हैं, बहुत डांटती हूँ, पर फिर भी बच्चे मुझे इतना प्यार करते हैं और डांस को इतना एंजॉय करके दिल से करते हैं ना, बच्चे को भी पता है कि दीदी डांटती तो है लेकिन हमें बहुत प्यार करती है। एक्चुअली आजकल ना लाइफ भी बहुत चेंज हो गया, बच्चे इतना कुछ सीखते हैं तो मतलब उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत हो जाता है, लेकिन ये मेरा काम है समझाना कि जितना हो सके एक ही लाइफ है, सब कुछ करो और जो करोगे वो 100% करो। तो मेरे बच्चे ऑलमोस्ट सब बच्चे मेरा बहुत मतलब जिस तरह से मैं समझाती हूँ वो फॉलो करते हैं, वो लोग कोशिश करते हैं, एंड हम सब मिलके ना हमारा जो कलांगन परिवार है एक्चुअली हम में से बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और बहुत प्यार से हम काम करते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे को मैं इधर प्रैक्टिस करा रही हूँ, और भी दो ग्रुप है, मतलब उस दिन प्रोग्राम में मेरा कुछ 24-25 स्टूडेंट्स परफॉर्म करेगी, इसके अलावा मैं और चिकूर, तो उनका देखिए अलग अलग 3 ग्रुप मैंने बनाया, ये एक एक ग्रुप ऐसे अलग अलग प्रैक्टिस कर रहा है एंड एक ही हॉल में है लेकिन सब अपना अपना काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ कि कितना भी डांटो और कितना भी सीरियसली काम करो वो तो है ही, पर प्यार और डांस के लिए जो प्यार है वो मेरे हर एक बच्चों में दिखता है, क्योंकि मैं इस तरह से उन लोगों को सिखाती हूँ कि जो भी करो प्यार से करो तो काम और अच्छा होता है। तो रिहर्सल तो चल ही रहा है, आज अपूर्वा भी आई है, तो चिकू और अपूर्वा मेरे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स में है, तो ये दोनों है और डांस नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो ये दोनों भी डांस कर रहा है, तो चलिए आज इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलूंगी, बाय।